तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था और सभी दिव्यांग नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दो महान पुरुषों को श्रद्धांजलि हमने दी। छत्तीसगढ़ के पहले सम्मानीय राज्यपाल महोदय दिनेश नंदन सहाय जी को हम लोगों ने स्मरण किया। अंग्रेजी लिटरेचर से साहित्य से एमए करने वाले सहाय जी पहले व्याख्याता, फिर प्रशासनिक पुलिस प्रशासनिक सेवा में डीजीपी के पद तक जिम्मेदारी निभाने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल 2000-2003 के बीच में रहे। तत्पश्चात त्रिपुरा में भी राज्यपाल महोदय के रूप में उन्होंने अपने सेवाएं दी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब ने उन्हें स्मरण कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के 10 साल तक स्पीकर रहे श्रद्धेय श्रीनिवास तिवारी जी, जिन्हें सफेद शेर की भी संज्ञा दी जाती थी, उनको भी हमने स्मरण किया। 7 घंटे तक विधानसभा में वक्तव्य देने वाले श्रीनिवास तिवारी जी की एक अद्भुत छवि थी, एक अद्भुत उपस्थिति थी। सब उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके योगदान को स्मरण कर 7 बार विधायक रहे श्रीनिवास तिवारी जी को हमने श्रद्धांजलि दी। उनके परिवारों को संबल मिले, दोनों विभूतियों की आत्मा को शांति मिले, ये हम सब की कामना है। रमन सिंह का पकौड़ा 5 रुपए की, पूरा भोजन 5 रुपए, कल तो लोग हंस दिए जब राज्यपाल महोदय ने 5 रुपए में भोजन की बात की, तो अचानक लोग अपने आप को रोक नहीं पाए कि देखिए सरकार कैसा काम कर रही है। और इसमें भी वही बातें सामने आ रही हैं कि आप कह रहे हो कि इतने करोड़ रोजगार हमने सृजन किए और भजिया और पकौड़ा बेचने वाले ये कह रहे हैं हमको 100 रुपए 50 रुपए दिन के नहीं मिलते ऐसे काम करने से। तो इस प्रकार के देश के भविष्य को प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बयान के बाद मैं समझता हूं कि लोगों को लगा कि अब सच्चाई तो सामने ला दूंगा। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, आज तेजी से गिरा, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। ये दुर्भाग्य रहता है कि सरकार शेयर मार्केट के उठावे को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती है और लोगों में भ्रम पैदा करती है कि मान लो सरकार की नीतियों के कारण कुछ ऐसा हो रहा है। जब आप पिछले 10-20 दशक को आप देखिएगा और शेयर बाजार के सूचकांक को आप देखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे चला है वैसे देश का शेयर मार्केट चला है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चढ़ावा आया है तो शेयर मार्केट देश का बढ़ा है और जब गिरावट आई है तो देश का शेयर मार्केट गिरा है। तो अपने से उपलब्धि जोड़ने का प्रयास करने वालों को एक सीख मिली है कि खोखले दावे करके उपलब्धि के रूप में शेयर मार्केट के बढ़ावे को ना देखें। ये दुर्भाग्यजनक है कि बहुत सारे निवेशक इस कारण से बहक गए कि मान लो सरकार ने कुछ किया है और जो और करने जा रही है उसके चलते शेयर मार्केट 40,000 को पार करेगा, सेंसेक्स 40,000 को पार करेगा और ये गिरावट हमको देखने को मिल रही है। जोगी हारेगा, कौन जीतेगा मैंने नहीं कहा और मैंने ये भी कहा था एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए कम से कम हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसको इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि जीत और हार का श्रेय वो खुद ना ले और मतदाता के ऊपर छोड़े। जीतेगा कौन ये मतदाता तय करेगा, लेकिन अजीत जोगी हारेंगे ये मैंने कहा था। रमन सिंह जीतेंगे, हमारे महासचिव महोदय पुनिया जी आए, उन्होंने तो सार्वजनिक बयान दिया हम तो 90 की 90 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो किसी को जिताए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तो कहने का प्रश्न ही नहीं उठता।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ अपनी भूमिका निभाई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी दोनों को हमने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिनेश नंदन सहाय साहब 2000 से 2003 यहाँ पे छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके अंदर प्रशासनिक गुण था, राजनीतिक उन्होंने प्राध्यापक रूप से किया, डीजी बने और उसके बाद छत्तीसगढ़ के 3 साल तक राज्यपाल की भूमिका उनकी रही और निश्चित रूप से निर्माण के इस 3 साल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को मजबूत करने के लिए की। माननीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी एक लंबा राजनीतिक जीवन और समाजवादी आंदोलन की उपज, समाजवादी पार्टी से पहली बार 1952 में विधायक बने, 10 साल मध्य प्रदेश के विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका रही, उपाध्यक्ष की भूमिका में रही, मंत्री की भूमिका में रहे और एक प्रकार से इतना लंबा राजनीतिक जीवन, जितने हम लोगों की उम्र है उतने दिन तो विधानसभा में 1952 में प्रवेश किया और लगातार सक्रिय राजनीति में रहे, 7 बार विधायक बन के विधानसभा में आए और इतना जानकार और इतने विषय को प्रस्तुत करने की दृढ़ता और एक ऐसा राजनीतिक है जो जीवन भर अपनी शर्तों में राजनीति करते रहे, हमने आज इस विधानसभा में दोनों को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री जी, आपकी जिसकी कामना विरोधी भी कर रहे हैं तो बयान, अब ये तो अच्छी बात है, जीत और हार तो राजनीति का जीवन है, मगर जो भावनाएं व्यक्त की उस भावना का मैं सम्मान करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही और जिनको समझना चाहिए उनके लिए इशारा काफी है, वो भी उनकी आदत है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के ऊपर सरकार की प्राथमिकता रही है, रोड सेक्टर में चाहे बस्तर सरगुजा या शहरी क्षेत्र के अंदर जिन प्राथमिकता को सरकार ने कनेक्टिविटी से जोड़ने की बातचीत की, ये ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय से लेकर के संभाग मुख्यालयों को हमारी प्राथमिकता रही और उस पर हमने बहुत पूर्ण गति से काम किया। आज NH के अंदर जिस प्रकार से चाहे सुकमा कोंटा बीजापुर से लेकर नारायणपुर की बातचीत हो, चाहे दंतेवाड़ा से लेकर के रायपुर तक की बातचीत हो, रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से रायगढ़, रायगढ़ से पूरा पूरा सरगुजा संभाग यानी महेंद्रगढ़ चिरमिरी से लेकर के मोगाम बॉर्डर तक चारों तरफ NH के काम चल रहे हैं और लगभग 24,000 करोड़ के काम इस प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। सड़क विकास निगम के माध्यम से 1900 करोड़ के काम कब चल रहे हैं, 1800 करोड़ रुपये के ADB के काम चल रहे हैं, यानी सरकार की प्राथमिकता अधोसंरचना की स्थापना करना, अगर जिस स्टेट के अंदर रोड का सुव्यवस्थित आवागमन हो जाए तो स्टेट की प्राथमिकता बढ़ जाती है और उसी दृष्टि से सरकार की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है और सरकार ने बजट में भी और उसके पहले भी इन सब चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए विकास के काम को गति बढ़ाने के लिए पहली प्राथमिकता दी। मंत्री जी पकौड़ा पॉलिटिक्स जो केंद्र से अब यहाँ भी चालू हो गई है, दुर्ग में कांग्रेस के MLA ने पकौड़े की स्टॉल लगाई, रमन पकौड़ा 5 रुपए, अरुण जेटली पकौड़ा 10 रुपए, विस्तरके की स्टॉल लग रही है, बेरोजगारों की स्टॉल बताई जा रही है, जो कुछ कुछ मुहावरों को लेकर के राजनीति में अपने अपने हिसाब से लोगों का सोचना, बेरोजगार नौजवानों रोजगारों के साथ में जोड़ना और मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से अगर सरकार उनको लोन की फैसिलिटी दे रही है ताकि वो स्वावलंबन के साथ में अपने रोजगार को कर सके, यह सरकार की प्राथमिकता, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है लेकिन रोजगार उपलब्ध हो, चाहे वो छोटा काम करे, बड़ा काम करे, चाय की दुकान चलाए, चाहे पकौड़े की दुकान चलाए, वो अपने स्वावलंबन के साथ में अपने रोजगार को, अपने परिवार को पालने का एक साधन बना रहा है तो उसकी तारीफ होना चाहिए। मुहावरे को लेकर के कुछ राजनीतिक स्टैंड चलते रहते हैं, सौभाग्य से जिन जिन लोगों ने दुकानें खोली है उन ईश्वर से कामना करूंगा उनकी दुकानें अच्छी चले,
और स्थायी रूप से दुकानें खोले, मैं उनसे आग्रह करूंगा। दूसरा दिन